हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये भी देख लिया था कि पोटेशियम आयन के द्वारा पोटेशियम आयन के क्या कंडीशंस होती हैं जब पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब कोई मेम्ब्रेन जो होती है पोटेशियम के लिए ज़्यादा एक्टिव होती है, या और जब सेल सोडियम के लिए एक्टिव होती है। जनरली हम ये देखते हैं कि जो कोई भी सेल्स होती है वो ग्रेटर परमेबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, और लेस परमेबल होती है सोडियम आयन के लिए। इसीलिए हम जब देखते हैं किसी बॉडी के पर्टिकुलर सेल्स को हम जब एग्जामिन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसका पोटेंशियल, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पोटेशियम के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के आसपास होता है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल्स होती है वो होती है किसके, पोटेशियम के लिए ज़्यादा एक्टिव होती है। आज हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। तो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन इन एक्साइटेबल सेल। जब भी हमने अभी लास्ट तक जो बात की थी वो कोई एक्साइटेबल सेल नहीं थी, वो एक नॉर्मल सेल थी, और नॉर्मल सेल्स के साथ साथ वो हमने एक पर्टिकुलर सेल्स को एग्जामिन करने के लिए लिया था, ना कि कोई रियल सेल थी। तो आज अगर मैं बात करता हूँ किसी सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन इन एक्साइटेबल सेल। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन इन एक्साइटेबल सेल। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था गेटेस चैनल्स के अंदर, तो गेटेस चैनल्स कितने तरीके के बताए थे मैंने आपको? तीन तरीके के बताए थे। एक बताया था लीकी चैनल्स, एक बताया था वोल्टेज गेटेस चैनल्स, और एक बताया था आपको कोई भी लाइगेंड गेटेड चैनल। तो इन तीन में अगर मैं एक पर्टिकुलर चैनल की इंडिविजुअल की अगर बात करता हूँ, तो इंडिविजुअल मैंने आपको बताया दिया था कि जो लीकी चैनल्स होते हैं वो ऑलवेज ओपन होते हैं। अगर मैं वोल्टेज गेटेस चैनल्स की बात करता हूँ, तो वोल्टेज गेटेस चैनल्स में एक होता है एक्टिवेशन गेट और एक होता है इनएक्टिवेशन गेट। मैं अभी तो दोनों को क्लोज ही बना रहा हूँ। एक होता है एक्टिवेशन गेट, एक होता है इनएक्टिवेशन गेट। ये दो होते हैं। अगर मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करता हूँ, तो उसमें एक्टिवेशन गेट तो क्लोज ही होता है, लेकिन जो इनएक्टिवेट गेट होता है वो क्या होता है? ओपन। अगर मैं इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करता हूँ, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर जब सेल के अंदर सेल रेस्टिंग कंडीशन पर होती है, मतलब उस समय उसके ऊपर कोई इम्पल्स या स्टिमुलस नहीं होता है, इम्पल्स या स्टिमुलस नहीं होता है, तो उसका जो एक्टिवेशन गेट होता है वो तो क्या होता है? क्लोज। लेकिन जो इनएक्टिवेशन गेट होता है वो क्या होता है? ओपन। तो ये कंडीशन कैसी होती है? एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जो एक हम किसी मेम्ब्रेन के ऊपर अभी नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे सिर्फ पर्टिकुलर एक सेल के ऊपर, किसी किसी सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये कैसे डिफर है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हम लास्ट में देख ही लिया, बात बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। तो मैं किसी पर्टिकुलर सेल्स को हाइपोथेटिकल सेल ले ले रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी सेल के अंदर बहुत सारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। इन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का काम क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसफर करना। ये करते क्या है? टू पोटेशियम इनवर्ड एंड थ्री सोडियम आउटवर्ड। इससे होता क्या है? इससे एक इनएक्टिविटी इनएक्टिविटी प्रोड्यूस होती है किसी सेल के अंदर, और मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल इनएक्टिविटी प्रोड्यूस होती है और कुछ नहीं होता है। इससे करता क्या है? ये सेल के अंदर माइनस का 5 मिलीवोल्ट का डिफरेंस भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये -5 मिलीवोल्ट जो होता है ये नेग्लेजेबल होता है किसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। अगर बात करूँ तब भी नेग्लेजेबल होता है, अगर मैं एक्शन पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तब भी नेग्लेजेबल होता है। तो फिर इस एटीपीएस का काम क्या, मेन पर्पस क्या है?
इसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर उसको मेंटेन रखना, क्योंकि पोटेशियम की जो सेल्स होती है वो लेस ग्रेटर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, और सेल जो होती है वो होता है इज अ बैग, इसको हम कहते हैं इज अ बैग ऑफ पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम करता क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या करता है, मूव करता है। लेकिन जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है तो इसकी अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो क्या करते हैं क्या है, सोडियम को बाहर फेंकते हैं और पोटेशियम को अंदर लेकर आते हैं। तो इसका मेन पर्पस अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना इन द सेल, नॉट आउट द सेल, इट इन द सेल। अब होता क्या है, अगर हम मानते ही हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल साइज होती है पोटेशियम के लिए क्या होती है, ज्यादा परमेबल होती है, और पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल होती है तो इसमें होता क्या है, सेल के अंदर लीकी चैनल्स होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल। अब पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं तो इससे क्या होगा, पोटेशियम आयन का क्या होगा, आउटफ्लक्स, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, ये लीकी चैनल्स हैं, पैसिव मूवमेंट है, कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं है। लेकिन एटीपीएस ये क्या होता है, ये एक्टिव मूवमेंट होता है, एक्टिव होता है। ये कंडीशन कैसी है, एक्टिव है, यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है। लेकिन ये लीकी चैनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लीकी चैनल्स, लीकी चैनल्स ये कैसे होते हैं, पैसिव, ये कैसे होते हैं, पैसिव। तो यहां पर क्या एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई सेल परमिएबल होती है पोटेशियम आयन के लिए तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अराउंड -85, अगर कोई सेल परमिएबल होती है सोडियम आयन के लिए तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है +65। लेकिन कोई भी सेल जो होती है वो आइडियल नहीं होती 100% किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, परमिएबल या किसी चीज के लिए इम्परमिएबल नहीं होती है। तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर पोटेशियम के, अगर ये सेल करस्पॉन्डिंग होती पोटेशियम आयन के तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता वो होता अराउंड -85 मिलीवोल्ट। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर मैं सोडियम आयन के करस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो ये होता है +65 मिलीवोल्ट। लेकिन कोई भी सेल जो होती है 100% किसी चीज़ के लिए परमेबल नहीं होती है, अनपरमेबल नहीं होती। तो इसका नॉर्मल अगर मैं किसी प्रैक्टिकल या आइडियल सेल की बात करता हूँ तो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नियर अबाउट तो क्या होता है, पोटेशियम के नियर अबाउट तो होता है पोटेशियम के। तो नियर अबाउट अगर पोटेशियम की बात करता हूँ तो उसका होता है लगभग 70 to 75, 72 75, मैं 70 मिलीवोल्ट ले ले रहा हूँ, 70 माइनस का 70 मिलीवोल्ट। तो ये नियर अबाउट किसके हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम। इसीलिए हम कहते हैं कि जनरली जो सेल्स होती हैं वो परमेबल होती हैं किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया -70। मैं यहाँ इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिख देता हूँ, इस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70, ये हो गया इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये तो होगी नॉर्मल केस की बात कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर कोई स्टिमुलस आता है, अगेन जब इस सेल के ऊपर कोई स्टिमुलस आता है या इस मैकेनिकल टच किया जाता है, इस सेल को मैकेनिकली टच किया जाता है, तब इस सेल के अंदर टच सेंसिटिव सोडियम चैनल या मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जो कि होते हैं लीकी चैनल्स। कैसे होते हैं, लीकी चैनल्स। मैं यहाँ सोडियम चैनल्स को ओपन कर रहा हूँ, ये होते हैं टच या स्टिमुलस सेंसिटिव सोडियम लीकी चैनल, ये क्या होते हैं, टच या स्टिमुलस सेंसिटिव सोडियम लीकी चैनल। इनका काम क्या होता है, जैसे ही किसी सेल के ऊपर टच किया जाता है या इसके ऊपर कोई स्टिमुलस आता है तो लिटिल अमाउंट में, एक कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट नहीं होती है, एक मैक्सिमम या जिसको हम कहते हैं हायर अमाउंट नहीं होती है, लेकिन एक मीडियम अमाउंट में सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स, सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स। ये सोडियम क्या करता है, इस सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या करता है, इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या करता है, डाउन कर देता है। क्योंकि सोडियम आयन है, जब सोडियम आयन कोई पॉजिटिव चार्ज किसी सेल के अंदर आता है तो उसके नेगेटिव पोटेंशियल क्या करने की कोशिश करेगा, डाउन करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका डाउन होता है और ये होता है अराउंड -60 मिलीवोल्ट, -60 मिलीवोल्ट, ये किसके कारण हुआ, ये हुआ टच सेंसिटिव सोडियम चैनल के कारण। जैसे ही कंडीशन, जैसे ही पोटेंशियल, इस सेल का पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट के अराउंड आता है तो इस सेल के अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इस तरीके से सेंसिटिव होते हैं कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर ही उनका एक्टिवेशन होता है और वो पोटेंशियल होता है अराउंड -60 मिलीवोल्ट। तो जैसे ही सेल का पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट पर आता है, एट दैट टाइम
a huge amount of voltage gated sodium channels are open. ये इतने रैपिडली ओपन होते हैं और इतने हायर अमाउंट के होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैसिव अमाउंट में क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, इनफ्लक्स होता है सोडियम का, सोडियम इनफ्लक्स मैसिव अमाउंट में। और इसको मैं कह सकता हूं ओवरशूट, क्या कर सकता हूं ओवर, इसको बोल सकता हूं ओवरशूट। और जैसे ही मैसिव अमाउंट में सोडियम अंदर आते हैं तो बिल्कुल सेम कंडीशन हो जाती है सेल की, उस कंडीशन में जबकि सेल क्या हो, मेनली परमेबल हो किसके लिए, सोडियम के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि जब भी कोई सेल सोडियम के लिए परमेबल होती है तो वो सेल क्या करती है, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को +65 के अराउंड ले जाने की कोशिश करती है। कहाँ तक, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी सोडियम के लिए, जब भी कोई सेल सोडियम आयन के लिए परमेबल होती है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, +65। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, जब भी कोई सेल के अंदर ओवरशूट होता है, जब भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चल, ये होते हैं वोल्टेज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिवेट होते हैं तो मैसिव अमाउंट में सोडियम अंदर आता है और ये सोडियम क्या करता है, इस सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सोडियम तक ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस कंडीशन में ये फुलफिल नहीं हो पाता है, फिर भी इसको जाना चाहिए था +65 के अराउंड तक, लेकिन फिर भी जैसे ही इसका एक्टिवेशन होता है उससे पहले ही पहले क्या होता है, यहाँ पर कुछ अदर प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस से, इसका मतलब जब ये +60 से पहले तो जाता है 0 वोल्ट तक, 0 मिली वोल्ट तक, और 0 मिली वोल्ट के बाद कहाँ तक जाता है, फिर ये +30 और +40 अराउंड तक, ये जाता है +30 मिली वोल्ट तक। फिर सुनिए, जैसे ही कोई स्टिमुलस इस सेल पर आया, इस स्टिमुलस ने इसके वोल्टेज सोडियम लीकी चैनल्स को क्या करा, ओपन, और इस सोडियम लीकी चैनल ने इसके पोटेंशियल को क्या करा, डाउन किया। और जैसे ही इसका पोटेंशियल डाउन होकर -60 मिलीवोल्ट पर आता है, इस पोटेंशियल पर इस सेल के सोडियम वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, मैसिव अमाउंट में सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स। और जब मैसिव अमाउंट में सोडियम का इनफ्लक्स होता है तो इसके पोटेंशियल में भी क्या होता है, ओवरशूट। ओवरशूट मतलब होता है ये -60 से +30 एकदम रैपिडली जाता है, इसका पोटेंशियल -60 से +30 क्या जाता है, रैपिडली जाता है। और जैसे ही इसका एक तरीके से रैपिडली जाता है, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ डीपोलराइजेशन, क्योंकि इसका पोलराइजेशन हो गया, इसका -60 से क्या हो गया +30 पे, तो क्या हो गया पोलराइजेशन। अब तक ये सेल कैसी थी, पोलराइज थी, अब क्या हो गया इसका डीपोलराइजेशन। और जैसे ही इसका डीपोलराइजेशन होता है, और ये बहुत माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है सोडियम इनफ्लक्स। और जैसे ही इसका पोटेंशियल +30 के अराउंड जाता है, इसके वोल्ट जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये हो जाते हैं क्लोज, और पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन। क्योंकि मुझे पता है पोटेशियम चैनल सेल के अंदर क्या है, मैसिव अमाउंट में है, बाहर क्या है, कम। तो जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं मैसिव अमाउंट में, पोटेशियम क्या होता है, आउटफ्लक्स। पोटेशियम क्या हो जाता है, आउटफ्लक्स, पोटेशियम सेल के बाहर जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही पोटेशियम सेल के बाहर जाना शुरू करता है, सेल अपनी फिर से इनिशियल कंडीशन मानने की कोशिश करती है। तो इस चीज को पहले मैं एक बार फिर से ग्राफ के थ्रू देख लेता हूँ, एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करूँ, पहले मैं ग्राफ के थ्रू देख लेता हूँ। अगर मैं ग्राफ के थ्रू बात करता हूँ तो यह हो गया किसी पर्टिकुलर सेल का ग्राफ। ये हो गया इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसी सेल का ये मान ले रहा हूँ मैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये अराउंड होगा -70 मिलीवोल्ट, ये सारी सारी वैल्यू जो है मिलीवोल्ट में, ये होगा -70 मिलीवोल्ट। और मुझको पता है किसी पर्टिकुलर सेल जब पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होती है, जो मेनली परमेबल अगर पोटेशियम आयन के लिए हो, तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, और मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बाय पोटेशियम। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बाय पोटेशियम, ये होता है अराउंड -85, ये होता है अराउंड -85। और अगर कोई सेल सोडियम के लिए परमेबल हो, और कोई सेल क्या हो, सोडियम के लिए परमेबल, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है अराउंड, ये हो गया मेरे पास इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ
सोडियम ये होता है अराउंड प्लस 65 मिलीवोल्ट। अगर ये प्लस है तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी होगा। मान लिया यहाँ पर क्या है, 0 मिलीवोल्ट। तो जैसे ही किसी सेल, जैसे ही मुझे पता है कोई सेल अगर मेनली परमेबल किसके लिए होती है, पोटेशियम आयन के लिए। अगर ये पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली पोटेशियम आयन परमेबल हो तो क्या होगा, स्टिमुलस यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन नॉर्मली जब मैं कंडीशन मुझे पता है कि कोई भी सेल्स होती है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अराउंड माइनस का 70 मिलीवोल्ट, और उसका अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराउंड माइनस का 70 मिलीवोल्ट है तो सेल कहाँ होगी, कुछ यहाँ पर होगी। और सेल जब यहाँ होती है तो इसके पास जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो वो स्टिमुलस हो सकता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का हो, ये भी हो सकता है बहुत कम अमाउंट का हो, बहुत कम उसका पोटेंशियल हो, या बहुत कम लीकेज चैनल्स उसमें हो सके, ओपन हो सके, या स्टिमुलस जो हो बहुत वीक हो। अगर कोई स्टिमुलस बहुत वीक है तो होता क्या है, वो थोड़ा सा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये होता है मेरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो होता है जहां पर कोई सेल अपने सोडियम आयन्स को क्या करती है, ओपन करती है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है। इसको मैं एक्शन पोटेंशियल भी बोलता हूँ। जब भी कोई सेल, किसी सेल के पास क्या आया, स्टिमुलस आया। अब ये स्टिमुलस हो सकता है कि ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जाए, अगर स्टिमुलस बहुत वीक है तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं जाएगा और क्या हो जाता है, डेड। अगेन हो सकता है कोई कोई पोटेंशियल और ऊपर ओवर शूट हो और फिर क्या हो जाए इसका, फिर नहीं हो पाए। हो जब भी कभी कंडीशन, जब भी कंडीशन होगी कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस जब इसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करेगा, जब भी पोटेंशियल इसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करेगा, ओवर शूट ऑफ सोडियम, सोडियम का जो ओवर शूट है या सोडियम चैनल्स का जो ओपनिंग है, तभी होगी जब भी कोई पोटेंशियल क्या होगा, ओवर शूट कंडीशन पे पहुंचेगा। और जब भी कोई स्टिमुलस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचता है एट दैट टाइम यहाँ क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो यहाँ पर सोडियम चैनल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ कैसे होंगे सोडियम चैनल्स, इस समय सोडियम चैनल्स जो होंगे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन में होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसका जो एक्टिवेशन गेट होगा वो तो क्या होगा, क्लोज, और इनएक्टिवेशन गेट होगा वो कैसा होगा, ओपन। एक्टिवेशन गेट क्या होगा, क्लोज, और इनएक्टिवेशन गेट क्या होगा, ओपन। और जैसे ही ये कहां पर पहुंचेगी, ओवरशूट कंडीशन पे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका, क्योंकि यहां पर सोडियम चैनल्स क्या होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, और सोडियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो ये पहले तो सोडियम चैनल्स जो होंगे वो अपने पोटेंशियल को सोडियम इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ सोडियम तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे ही कोशिश करते हैं ये जाते हैं जीरो से ऊपर होते हैं, जीरो से ऊपर ये +30 या +40 पर जाकर, +30 +35 के अराउंड जाकर क्या होते हैं, रुक जाते हैं। रुकते क्यों हैं, क्योंकि जैसे ही इनके अंदर जिनके ही जैसे ही इनके अंदर सोडियम चैनल्स की क्या होती है, ओपनिंग, तो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि इसका इनएक्टिवेशन गेट जैसे ही ओपन होता है, ये जैसे ही पार्शियली ओपन होता है वैसे ही पार्शियली इसका जो इनएक्टिवेशन गेट होता है वो क्लोजिंग कंडीशन पहुंच जाता है। जैसे ही एक्टिवेशन गेट का क्या होता है, पार्सली ओपनिंग होती है, एट दैट टाइम इनएक्टिवेशन गेट की पार्सली क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये अपनी ओवरशूट या मैक्सिमम अमाउंट पहुंचते हैं, ये अराउंड होती है +30 या +40 मिलीवोल्ट के अराउंड होती है, यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाते हैं। और इसके बाद जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं सेल के, पोटेशियम चैनल जैसे मैंने आपको दिखाया था, पोटेशियम चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटेशियम चैनल का क्या हो जाता है, आउटफ्लक्स, मतलब पोटेशियम जो होता है सेल से बाहर जाने की तरफ मूव करने लगता है, बाहर की तरफ मूव करने लगता है। और जैसे ही पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करता है, इसका मतलब सेल का जो जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर जाने लगे, और पॉजिटिव आयन जैसे ही बाहर जाएंगे तो सेल का जो पोटेंशियल होगा वो डाउन होने लगता है निगेटिव की तरफ। कैसा होता है, डाउन होता है निगेटिव की तरफ। और जैसे ही ये डाउन होना निगेटिव की तरफ होता है, उस समय इसका पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा। और पोटेंशियल डाउन होते होते कहाँ तक आएगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए हैं, तो सेल क्या करेगी, सेल जो होगी इसका पोटेंशियल इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। अगेन जैसे ही पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो सेल इस तरीके से वर्क करती है जैसे कि सेल जो होती हो 100% परमिएबल हो पोटेशियम आयन के लिए। और जब भी कोई सेल 100% परमिएबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, तब वो करती क्या है, अपने पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम या इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक ले जाने की कोशिश करती है। और जैसे ही
इसका पोटेंशियल, जैसे ही इसका पोटेंशियल डाउन जाता है तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ना रुके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ना रुके, क्योंकि इस सेल का जो अपना पोटेशियम के लिए इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है -85। तो ये -85 तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन 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 ये उसको पूरा कर भी लेती है और नहीं भी करती है, और ये अगेन कहाँ पर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्यों आती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आने का रीज़न ये है कि कोई भी सेल जो होती है वो पोटेशियम के लिए 100% परमेबल नहीं होती है। यहाँ पर कुछ सोडियम चैनल्स भी होते हैं जो इसका पोटेंशियल को क्या करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पर क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रखते हैं। तो ये किसके कारण होता है? क्योंकि यहाँ पर 100% पोटेशियम चैनल्स नहीं होते। तो जैसे ही ये कंडीशंस आती है, यहाँ पर होता क्या है, सोडियम चैनल्स की जितनी बात हो रही है, सोडियम चैनल्स की बात हो रही है, तो ये सोडियम चैनल्स, यहाँ पर जो चैनल्स हैं सोडियम चैनल्स, ये क्या होते हैं, इसका एक्टिवेशन गेट तो क्या होता है, ओपन, और इनएक्टिवेशन गेट क्या होता है, क्लोज। ये सब सोडियम चैनल्स की बात हो रही है। अगेन मैं आपको फिर चैनल, सारे जितने चैनल्स हैं सबकी कंडीशन आपको दिखा दे रहा। अगर मैं रेस्टिंग की बात करता हूँ तो रेस्टिंग में क्या होता है, इसका एक्टिवेशन गेट क्या होता है, क्लोज, और इनएक्टिवेशन गेट क्या होता है, ओपन। ये बात होती है मेरी रेस्टिंग की। और जैसे ही इसके पास कोई स्टिमुलस आता है, ये जब भी एक्टिवेट होते हैं, तो एक्टिवेट के समय इसका जो एक्टिवेशन गेट है वो क्या होता है, ओपन, और इसका इनएक्टिवेशन गेट क्या होता है, वो पार्शली क्लोज होने की कंडीशन पहुंचता है। ये कंडीशन आती है एक्टिव स्टेट की। और इनएक्टिव स्टेट जब मुझे पहुंचता है, जब जब इनएक्टिव स्टेट में पहुंचता है, इनएक्टिव स्टेट में इसका जो एक्टिवेशन गेट होता है वो तो है ओपन, और इनएक्टिवेट गेट होता है वो क्या होता है, क्लोज। अगेन ये कैसे पहुंचता है, रेस्टिंग में, और जब रेस्टिंग पहुंचता है तो इसका एक्टिवेशन गेट क्या होता है, ओपन, क्लोज, और इनएक्टिवेट क्या होता है, ओपन। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है, किसी भी, जब भी कोई स्टिमुलस किसी सेल के पास आता है। तो एक बार मैं दोबारा पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर बनाकर दिखा रहा हूँ कि आखिर मेम्ब्रेन के ऊपर, अगर मैं किसी न्यूरल सेल की बात करता हूँ, न्यूरल सेल की, तो ये मैंने ले लिया स्पाइनल कॉर्ड, यह हुआ डोर्सल रूट गैंग्लियन, और यह न्यूरॉन सेल को मैं क्या करता हूँ, बहुत बड़ा बना ले रहा हूँ। ये ले ली मैंने एक नर्व सेल, और इस नर्व सेल के अंदर सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ सोडियम पोटेशियम पंप से, सोडियम पोटेशियम पंप से। अब यहाँ क्या होगा, सबको पता है, 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स और 3 सोडियम का आउटफ्लक्स। इसके कारण क्या होगा, -5 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर पोटेंशियम जनरेट होगा, -5 का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद में क्योंकि सेल है तो सेल होती है जब बैग ऑफ पोटेशियम, तो होगा क्या, पोटेशियम आयन का लीकी चैनल के थ्रू, लीकी चैनल के थ्रू आउटफ्लक्स हो जाएगा, पोटेशियम आयन का लीकी चैनल के थ्रू आउटफ्लक्स। और यह पोटेशियम का लीकी चैनल का आउटफ्लक्स होता है, साथ साथ में कुछ सोडियम चैनल्स भी होते हैं जिनका क्या होता है, जिनकी वजह से इनफ्लक्स होता है। और यहाँ पर कुछ लीकी चैनल सोडियम के भी होते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इसको सेट करते हैं अराउंड -70 मिलीवोल्ट। ये वैल्यू अराउंड होती हैं, हर सेल, सेल टू सेल डिपेंड करती हैं। ये हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही इसके पास कोई स्टिमुलस आया, जैसे ही इसके पास कोई स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस करता क्या है, ये स्टिमुलस सोडियम लीकी चैनल्स को क्या करता है, ओपन करता है, सोडियम लीकी चैनल्स को क्या करता है, ओपन। और जैसे ही सीडियम सोडियम लीकी चैनल्स ओपन होते हैं तो यहां पर इन्फ्लक्स होता है, किसका, सोडियम का। और जैसे ही सोडियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन आने के कारण इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो मैं यहाँ पूरा बना रहा हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये था -70 मिली वोल्ट। अब सोडियम इन्फ्लक्स ड्यू टू इम्पल्स या स्टिमुलस, ड्यू टू स्टिमुलस,
इसका रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के पास पहुंच जाता है माइनस का 60 मिलीवोल्ट। और माइनस 60 मिलीवोल्ट पर होता क्या है, माइनस 60 मिलीवोल्ट पर सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यह है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल ये कैसे हैं, लीकी चैनल, लीकी चैनल। तो जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, रैपिड इन्फ्लक्स क्या होता है सोडियम का। और जैसे ही रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, तब यहाँ होता क्या है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो पहले क्या जाता है 0 मिलीवोल्ट पर, और 0 मिलीवोल्ट से ये पहुँचता है, कोशिश करता है इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ सोडियम पर पहुंचने की, जो कि होता है +65 मिलीवोल्ट। लेकिन वहां तक ना पहुंचते उससे पहले ही क्या होता है, उससे पहले ही क्या होता है, सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, सॉरी पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम क्या शुरू हो जाता है, आउटफ्लक्स। पोटेशियम क्या शुरू हो जाता है, आउटफ्लक्स। जो जैसे ही सोडियम चैनल्स यहाँ क्या हुए थे, ओपन हुए थे, और सोडियम चैनल्स आउट ओपन होने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये +30 या +45 के पास पहुँचने के प्रोसेस को, इसको बोलता हूँ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन की कंडीशन एक तरीके से स्टॉप होती है, एट दैट टाइम जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, ओपन। और जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम क्या रहता है, आउटफ्लक्स। पोटेशियम का आउटफ्लक्स इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर होता है ज़्यादा, और सोडियम का इन्फ्लक्स इसलिए होता है कि सोडियम का जो अमाउंट होता है वो आउटर सेल के अंदर, आउटसाइड ऑफ द सेल होता है ज़्यादा, इसलिए सोडियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स, और पोटेशियम क्या होता है, आउटफ्लक्स। और जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज किसी सेल से बाहर जाता है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है, सॉरी, और अभी यहाँ कहाँ पहुँच गया, +32-45 मिलीवोल्ट के अराउंड। अब इसके बाद जैसे ही पोटेशियम का क्या होता है, आउटफ्लक्स, तो ये इसका जो पोटेंशियल है वो अगेन दोबारा बैक करता है कि इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, ये फिर से पहुंच जाता है -70 मिलीवोल्ट के अराउंड, -70 मिलीवोल्ट के अराउंड ये फिर पहुंच जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। और ये पहुंचता है यहाँ पर, होता है इसका डी पोलराइजेशन, यहाँ पर क्या होता है इसका डी पोलराइजेशन। तो ये बात हो गई किसकी, किसी एक स्टिमुलस की जो एक जनरेट होता है। अगर मैं, ये तो हो गई किसी एक पैच की बात जो इसके पास आया था, या जो स्टिमुलस इसके पास आया था, किसी एक सेल को मिलता है, किसी पूरे नर्व सेल में, अगर मान लें किसी नर्व सेल के अंदर किसी एक पॉइंट को मिला, अब उस पॉइंट से ये इम्पल्स दूसरे पॉइंट पर कैसे पहुंचता है, तो ये देखने के लिए कि जैसे ही इम्पल्स इस सेल के पास आया, इस सेल के जो लीक, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, जो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, इस सोडियम से कुछ सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो एडजेसेंट प्लेस की जो सेल्स होती हैं उनका क्या स्टार्ट करा देते हैं, उनका स्टार्ट करा देते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कैसे स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर डीपोलराइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने सोडियम आयन को क्या करा, इन्फ्लक्स कराया। और जैसे ही सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, वैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का क्या हुआ, रैपिड इन्फ्लक्स, रैपिड इन्फ्लक्स। अब क्या होता है नेक्स्ट सेल के लिए, यह होता है कि ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, इनसे जो सोडियम अंदर आए थे, ये सोडियम एडजेसेंट सेल के या एडजेसेंट साइट के जो चैनल्स होते हैं, कौन से चैनल्स, सोडियम चैनल्स, जो एडजेसेंट सेल के सोडियम चैनल्स होते हैं, ये सॉरी, जैसे ही ये सोडियम्स कुछ सोडियम चैनल जो होते हैं, जो एडजेसेंट सेल के, ये एडजेसेंट पॉइंट का जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनका क्या कराते हैं, एक्टिवेशन। और जैसे ही ये सोडियम ने एडजेसेंट सेल के सोडियम का एक्टिवेशन कराया, तब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट, और सोडियम का क्या होता है, अगेन इनफ्लक्स। और सोडियम का कैसे होता, कैसे, जैसे होता इनफ्लक्स, जैसे ही सोडियम का कैसे होता है, इनफ्लक्स। और ये सोडियम का जब इनफ्लक्स होता है, तो सेल अगेन क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन रजिस्टर पर। और जैसे ही सेल का डीपोलराइजेशन होता है, तो क्या होता है, पोटेशियम का, पोटेशियम के चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और पोटेशियम क्या रहता है, आउटफ्लक्स। अगेन मैं आपको बता दूं कि स्टिमुलस का ट्रांसमिशन कैसे चलता है। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का कुछ सोडियम, जब ये सेल जो होती है डीपोलराइजेशन स्टेट में पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तब ये सेल कहाँ पर होती है, डीपोलराइजेशन स्टेट पर। और जब ये सेल डीपोलराइजेशन स्टेट पर होती है, तो इसका सोडियम एडजेसेंट सेल के सेट या एडजेसेंट प्लेस के जो सेल्स होती हैं उनके लिए स्टिमुलस का काम करता है,
उनके लिए कैसे काम करता है, स्टिमुलस के लिए, जो एडजेसेंट प्लेस की जो सेल्स थी उनके लिए स्टिमुलस का काम करता है। और स्टिमुलस में क्या हुआ था, सोडियम चैनल्स का ओपनिंग, सोडियम चैनल्स की ओपनिंग, और इस सोडियम चैनल्स ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल के एक्शन पोटेंशियल पर पहुंचा दिया था। तो ये सोडियम करता क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, क्योंकि ये सेल अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पाने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो सेल नहीं, ये प्लेस जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाने की कोशिश करता है, और ये जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सॉरी हाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाने करता है, एट दैट टाइम जो एडजेसेंट प्लेस की सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, स्टिमुलस, और स्टिमुलस कौन प्रोवाइड कर रहा था, स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा था ये सोडियम, ये सोडियम जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से आया था, और ये जैसे ही इसके अंदर स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है तो ये इसका भी क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही ये सेल डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन स्टेट में पहुंचने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम, एट दैट टाइम जो इसका एडजेसेंट प्लेस होता है वहां पर क्या होता होता है, वहां पर डीपोलराइजेशन होता होता है, वहां पर क्या होता है, डीपोलराइजेशन, अगेन डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर या किसी सेल के अंदर जब मैं देखता हूँ तो एक एक तरीके से सिग्नलिंग चलती है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की पूरी सिग्नलिंग चलती है। अगर मान लिया यहाँ पर कोई एक बंदा है जो इसको देखता है, तो वो उसको अगर मान लिया वो सेल के अंदर देखता है तो उसको क्या देखेगा, उसको सोडियम का इन्फ्लक्स, पोटेशियम का आउटफ्लक्स, सोडियम का इन्फ्लक्स, पोटेशियम का आउटफ्लक्स, सोडियम का इन्फ्लक्स, पोटेशियम का आउटफ्लक्स। तो ये क्या चलता है, एक पूरी सेल चलती है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलस एक्ट एज सिग्नलिंग ऑन द मेम्ब्रेन और बॉडी। इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ इट इज अ इलेक्ट्रो केमिकल स्टिमुलस एक्ट एज सिग्नलिंग ऑन द मेम्ब्रेन और बॉडी। एक बार फिर से ब्रीफ इसका रिवीजन, जब भी कोई स्टिमुलस किसी सेल के पास आता है तो उस सेल के अंदर लीकी चैनल्स वोल्टेज, सोडियम लीकी चैनल्स क्या होते हैं, ओपन, और वो सोडियम लीकी चैनल्स मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से स्टिमुलस पोटेंशियल पर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से स्टिमुलस पोटेंशियल पर लेकर आते हैं, और इस पोटेंशियल को मैं बोलता हूँ एक्शन पोटेंशियल, इसी को मैं बोलता हूँ एक्शन पोटेंशियल, जो होता है -60 मिलीवोल्ट। और जैसे ही इसके अंदर इसका जो पोटेंशियल है वो -60 मिलीवोल्ट के अराउंड जाता है, तब इसके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन, और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स, और जैसे ही सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स, एट दैट टाइम इसका जो पोटेंशियल होता है किस तक पहुंच जाता है, -62 +30 या +45 के अराउंड पहुंच जाता है, और ये क्योंकि पहुंचने की कोशिश करता है +65 पर, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, सोडियम चैनल्स की क्या हो जाती है, पोटेशियम चैनल क्या हो जाती है, ओपनिंग, और पोटेशियम का आउटफ्लक्स करता क्या है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स इसके पोटेंशियल को, इसके पोटेंशियल को अगेन +30 या +45 से क्या -70 मिलीवोल्ट के पास लाने की कोशिश करता है, ये रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल होता है। ये तो हो गई किसी पर्टिकुलर जिस जिस पॉइंट पर क्या स्टिमुलस आया, इसके स्टिमुलस के एडजेसेंट सेल पर या एडजेसेंट प्लेस पर क्या होता है, एडजेसेंट प्लेस पर होने के लिए जैसे ही वोल्टेज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो इसका जो सोडियम्स होते हैं, कुछ सोडियम एडजेसेंट सेल्स के, एडजेसेंट सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको कहाँ पर लेकर आते हैं, स्टिमुलस पोटेंशियल पर या एक्शन पोटेंशियल पर, और जैसे ही इसका पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल पर पहुंचता है इसके सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ जैसे ही वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं इसका सोडियम एडजेसेंट जो प्लेस है उसके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को क्या कराते हैं, ओपनिंग करा देते हैं, और जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स की क्या होती है, ओपनिंग होती है, जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की क्या होती है, ओपनिंग होती है, ये सेल का अगेन क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन, सेल का क्या हो जाता है, अगेन डीपोलराइजेशन, और जैसे ही इसका डीपोलराइजेशन होता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, आउटफ्लक्स, ये पोटेशियम क्या होता है, आउटफ्लक्स, और जैसे ही पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है ये इसका पोटेंशियल अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसको मैं बोलता हूँ रीपोलराइजेशन। कभी कभी सेल का क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रुक है उससे काफ़ी आगे चली जाती है, या -85 या -90, जब भी कोई सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ना पहुँच कर उससे भी ज़्यादा अमाउंट में पहुँच जाती है, या उससे ज़्यादा भी उसका पोटेंशियल हो जाता है, या निगेटिव में उससे ज़्यादा हो जाता है, अराउंड -85 -90, इस कंडीशन में बोलता हूँ मैं रीपोलराइजेशन, इसको बोलता हूँ हाइपर पोलराइजेशन।
जब भी कोई सेल अपने रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पर ना रुके उससे भी क्या हो जाती है, ज्यादा निगेटिव हो जाती है। इसको बोलता हूँ मैं हाइपर पोलराइजेशन, क्योंकि ये हाइपर पोलराइज हो गई। पोलराइजेशन तो इसका -70 पर भी होता है, -70 पर भी ये पोलराइज सेल होती है, लेकिन -70 पर ना रुक ये -85 या -90 पर पहुंचती है, तो इसको बोलता हूँ हाइपर पोलराइजेशन। तो इस तरीके से किसी सेल के अंदर क्या होता है, स्टिमुलस का ट्रांसफर होता है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मैकेनिकल सिग्नल यहाँ आता है और इसके केमिकल्स के अंदर क्या होता है, चेंजिंग आती है, इसलिए बोलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलस एक्ट एज अ सिग्नलिंग, एक्ट एज अ सिग्नलिंग ऑन द मेम्ब्रेन और बॉडी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी एक्शन पोटेंशियल के किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर। अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे ईमेल एड्रेस पर, या मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल्स पर। अगर इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप मेल भी कर सकते हैं मुझे। एंड आफ्टर ऑल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।